नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड आपको चीजें बताने वाला हूं, जिसको कि आप देखने के बाद थोड़े मोटिवेट होंगे, आपको एनर्जी मिलेगा, ताकि आप ब्लॉगिंग करने में आपको थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अपने कीवर्ड के बारे में, जो कि मेरा गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहा है, और जो भी मेरे इनिशियल फॉलोअर्स है, जो काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं मेरे, उनको डेफिनेटली इसके बारे में पता, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि ये कीवर्ड को मैं रैंक कराने की कोशिश कर रहा हूं। और उस समय जो था वो कीवर्ड लॉन्ग टेल पे रैंक हो रहा था, अभी क्या है शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल दोनों पे रैंक हो रहा है। बीच में जो मैंने बताया था उसमें तो शॉर्ट टेल पे एक दो दिन के लिए आया था, बीच में फिर से वो क्या हुआ कि गायब हो गया, लेकिन अभी पिछले लगभग एक महीने से वो कीवर्ड जो है कंटिन्यूअसली एक फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहा है। तो इस वीडियो का एक ही मकसद है ताकि आपको बताएं, जिससे कि मोटिवेट हो आप और आपको ये चीज पता चले कि भाई ये करने से, ये स्टेप्स करने से, इन चीजों को एसईओ में करने से आपके आर्टिकल भी रैंक हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि आपके सामने ये आर्टिकल जो मैंने लिखा, ये आपके सामने लिखा हुआ, आपके सामने पैदा हुआ, एक्चुअली कहा जाए तो आपके सामने इसका एसईओ हुआ है और आपके सामने ये रैंकों के ऊपर आया है। बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं है वो मेरी एक पिछली वीडियो जो है, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपको दोनों पता चलेगा कि भाई उस समय कहां था और आज कहां पे है ये। एक्चुअली 1.5 मंथ अराउंड, 2 महीने पहले ये वीडियो जो बनाई थी मैंने उसमें, उसमें क्या था, वो कीवर्ड गूगल के 4-5-10वें पेज तक दिखाई नहीं देता था कहीं पे भी, लॉन्ग टेल पे रैंक हो रहा था। अभी क्या है, दोनों पे, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल दोनों पे फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको पूरी एनालिसिस बताऊंगा कि मैंने क्या किया था, कैसे लिखा था, उस कीवर्ड का क्या डेंसिटी है, मतलब कितने सारे कंपटीशन है उस पर, कितने सारे सर्च वॉल्यूम है, क्या सीपीसी है, कहां कहां से ट्रैफिक मिलता है, हर एक चीज आपको बताऊंगा। उस पर्टिकुलर यूआरएल पे, यानी कि उस आर्टिकल के यूआरएल पे कितने सारे बैकलिंक बने हुए मेरे, जिससे कि उसको क्या फायदा हुआ है, और जो मेरे कॉम्पिटिटर का जो लिस्ट था, यानी जो पहले से 10-10वें पेज पे आते थे, उसमें से मैंने अपना जगह बनाया उसमें, और मेरी वेबसाइट जो है वो काफी अभी नई वेबसाइट है, लगभग 3-4 महीने हुआ इस वेबसाइट को खोले हुए, मतलब लाइव किए हुए, और उसकी जो डीए वगैरह है या फिर आरएफ रैंक वगैरह है काफी ज्यादा है, अभी डीए काफी कम है और रैंक काफी ज्यादा है, रैंक जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि नई वेबसाइट पे आर्टिकल रैंक हो सकता है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए आपको जिससे कि आपको फायदा हो, और आप कहां पे मिस कर रहे हैं वो आपको पूरी डिटेल इसमें पता चलने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका लाइक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है मुझे वीडियो बनाने के लिए और आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते अपने सिस्टम पे, पूरा लाइव करके दिखाना है तो यहां बात करने से कोई फायदा नहीं है, सिस्टम पे चल के आपको सब कुछ दिखाता हूं अच्छे से, उसके बाद फिर मिलूंगा आपको यहीं पे। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरा पूरा स्टैटिस्टिक, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या मैंने किया हुआ है, कैसे क्या चल रहा है इसमें, इस आर्टिकल की कीवर्ड पे। पहला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले सर्च करते हैं हमारा, कि जो मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड था उसको सर्च करते हैं, व्हाट इज पिंगोमैटिक, ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड था और शॉर्ट टेल था सिर्फ पिंगोमैटिक, ठीक है। अब इसको जैसे कि आप एंटर करेंगे, सबसे पहला जो है फीचर स्निपेट में ये मेरा आर्टिकल रैंक होकर आ रहा है गूगल में, ठीक है। अब इसको आप जैसा कि फीचर स्निपेट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि आपका आर्टिकल भले ही 6ठे नंबर पे हो, 7वें 8वें नंबर पे हो, अगर फीचर स्निपेट इनेबल्ड हो गया उसमें तो वो 1 नंबर पे भी आएगा और जहां होना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन पे भी आएगा। तो यहां पे आप देखिए यहां पे भी आ रहा है, ठीक है। आप यानी कि 3 4थे नंबर पे है और 1 फर्स्ट पेज पे है, ये फीचर स्निपेट में आता है। इस पे फीचर स्निपेट में लाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप देखिएगा जाके उसको। और इसमें क्या है, इसमें कि इसको बस लिखना होता है उस तरीके से ताकि यूजर को क्वेश्चन आंसर का कुछ फील आए और उस गूगल उसको अपने हिसाब से रखे। पहला चीज़ व्हाट इज पिंगोमैटिक, यहाँ पिंगोमैटिक के बारे में जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने लिखा था वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये हो गया पहला। अब दूसरा कीवर्ड मेरा जो शॉर्ट टेल कीवर्ड था वो था पिंगोमैटिक। इसको कीवर्ड को आप जब सर्च करेंगे तो देखिए कितने नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे है ये लगभग 6ठे नंबर पे आ रहा है, 3 4 5 6ठे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब पिछली बार जो मैंने बताया था आपको, वीडियो में दिखाया था, उसमें ये दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, आज ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप, ये तो आपको पता चल गया कि भाई ये दोनों 1 नंबर पे आ रहे हैं। अब इन दोनों कीवर्ड्स का, जो इस कीवर्ड का मैं आपको स्टैटिस्टिक दिखाता हूँ, क्या है यहाँ पे पिंगोमैटिक लिख कर रखा है मैंने, इसको सर्च किया, अब आपको पता चलेगा कि इस कीवर्ड पे कितनी डिफिकल्टीज हैं। 13 डिफिकल्टी लेवल था इसका, 17,000 इसके ग्लोबल वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम है। सबसे बड़ी बात कि सीपीसी का $13 पर क्लिक का है, अगर इस पर एड दिखाता है, अगर
अगर अभी इस पे ऐड आता रहता, एक भी क्लिक बनता तो लगभग $13 के हिसाब से इस पे क्लिक्स होते, क्योंकि सारी ट्रैफिक जो है मोस्टली बाहर की ट्रैफिक है, यूके से है, यूएस से, इंडोनेशिया से है, टर्की से है और इंडिया से है। तो ये जो कीवर्ड है, कहने मतलब ये है कि कीवर्ड जो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कीवर्ड लेके रैंक करा के दिखाया है आपको, ये आर्टिकल आपके सामने पैदा हुआ, आपके सामने इस पर काम किया मैंने, आपके सामने इस पर बैकलिंक्स बनाया इस पर। बस इसमें इनिशियली मैंने एक चीज़ ये किया था एक्स्ट्रा कि इस पर मैंने ट्रैफिक भेजा था जिससे कि लोग आए इसको पढ़ें, ताकि गूगल को इसके बारे में पता चले कि ये है क्या, ठीक है, और उस हिसाब से वो उनको हेल्प मिलेगा इसको रैंक कराने में, इसको लोगों तक को दिखाने में, और कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ इसमें। ये हो गया इसके कीवर्ड का जो पोटेंशियल है, इसका 4600 के आसपास है, जो मेन इसका पेरेंट टॉपिक जो है पिंगोमैटिक है, इसी पे मैंने किया था। अब बात करते हैं इसके अंदर, यानी कि ये कितने नंबर पे, अभी 206 कीवर्ड्स जो है मेरे वो ऑर्गेनिक कीवर्ड जो रैंक हो रहे हैं उसमें, उस पर ये देख आपको दिखाता हूँ कि इसको कौन से हैं वो। अभी फिलहाल मैं इंडिया में देखूँगा, क्योंकि इंडिया में मैं अभी इंडिया में हूँ, तो यहाँ पर ये पिंगोमैटिक ये कीवर्ड है जो कि 6ठे नंबर पर आ रहा है, ठीक है, 6th पोजिशन पर आ रहा है। अब इसको आप खोलेंगे तो आपको दिखाएगा कि आप कितने नंबर पर, ये 6th नंबर पर है आपका। ऊपर 5-4 चीज़ें हैं जो कि मेरे से ऊपर है, उनका आर्टिकल और उनकी रैंकिंग अलग है, उनका सारा स्टैटिस्टिक्स अलग है मेरे वेबसाइट से। लोग जो नीचे हैं, यानी कि 7, 8, 9, 10 नंबर पे जो लोग हैं, इनसे कहीं मतलब कम मेरा आरिफ रैंक है, इनसे कम कहीं कम मेरा डोमेन ऑथोरिटी, यानी कि 3 आरिफ के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन मोज में थोड़ा ज़्यादा है, 3 नहीं है, ठीक है, याद नहीं कितना है, मैं चेक नहीं किया मोज में अभी। तो आप देखिए 79 भी है, 36 भी है, 97 भी है, 29 भी है, और इनके ऊपर आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर है डेफिनेटली, जिससे कि ये रैंक होके इनके ऊपर आ रहा है। हो सकता है ये एग्जैक्ट मैच पे आ रहा हो सकता है ये एग्जैक्ट मैच पे नहीं है, जैसे कि ये शाउट मी लाउड, ये ब्लॉगर्स नीज, ये wordpress.org, ये 4 चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर आ रहा है। अब इसमें क्या है कि इसमें बैकलिंग देखिए, 28 बैकलिंग्स इस आर्टिकल पर मैंने स्पेशली बनाए थे, जिससे कि इसको बूस्टअप मिलेगा रैंक होने में, मतलब सर्च इंजन में रैंक होने में इसको थोड़ा बूस्टअप मिलेगा। इनके पास 86 है, फिर भी इनके ऊपर है, इनका जो ये है 14K है और यहाँ पे 23 लेते हैं, ठीक है, इनसे एक्चुअली मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता, आई कैनॉट डू दैट, तो इनको देते हैं, ये 23 है, ये 21 है, 97 है और 3 है। फिर भी इन मेरे नीचे है ये आर्टिकल जो आ रहा है, ये आ रहा है wordpress.org का आ रहा है, मतलब कुछ तो एडिशनल इसमें है जिसकी वजह से ये रैंकों के ऊपर आ रहा है। अब इसके अंदर 28 बैकलिंग्स है जो कि मैं आपको जो जो आपके सामने बनाया हूँ वही बैकलिंग से बना हुआ और कुछ नहीं, इसमें मुझे सिर्फ 2 ट्रैफिक मिलता है, लगभग रोज का ट्रैफिक है, क्या है ये, 2 ट्रैफिक मिलता है और ये मेन कीवर्ड पर रैंक होता है जो कि इंडिया में 27, इंडिया से ट्रैफिक की बात हो रही है ये, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका इसका स्टैटिस्टिक्स। अभी बात करते हैं इसका ऑर्गेनिक जो ये होता है, 14th मार्च से लेकर 14th अप्रैल तक का मेरा ये गूगल का जो एनालिटिक होता है, आप लोगों ने शायद कॉन्फिगर किया होगा, अगर आप वेबसाइट ओनर है तो आपको ये मस्ट इंस्टॉल करना ही, ताकि आप ट्राई कर सकें। अगर किसी ने नहीं किया है तो आज ही कीजिए, अगर नहीं आता तो बताइए आप लोग। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि गूगल एनालिटिक्स कैसे कॉन्फिगर करना, तो मैं डेफिनेटली आपको इस पर एक वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, सभी को आता होगा, अगर नहीं आता तो प्लीज़ बताइएगा। अभी ऑर्गेनिक कीवर्ड के नाम पे 68 जो है मेरे पास ऑर्गेनिक कीवर्ड मिलते हैं मुझे यहाँ पे, और इसके अलावा जो यूजर्स का डिटेल है, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे 2.40 सेशन इसका जो है ड्यूरेशन है, यानी कि कोई आता है तो 2 से 2.5 मिनट कम से कम रुकता है मेरे इस आर्टिकल पे। तो ये बहुत मैटर करता है इंगेजमेंट की, क्या है आपको इंगेजमेंट मिल रही है आपके आर्टिकल पे। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान से, आपके साइट पे कितनी इंगेजमेंट है, कहाँ पे कितना चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको जब तक इन चीज़ों को नहीं करेंगे तब तक आप मतलब कि सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। आर्टिकल जो है वो ये लिखा हुआ कि पूरी की पूरी डिटेल जो है इस आर्टिकल में डाली हुई है कि पिंगोमैटिक का जो वर्ड है, इस वर्ड का जो ब्रेक करके मैंने बताया था वो उसके हिसाब से पूरा पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक किया हुआ था इसमें, पिंगोमैटिक क्या होता है वो लिखा है। आप इसको खोल के देखिएगा, आप सर्च कीजिएगा, डेफिनेटली सर्च करके खोल के देखिएगा। अगर खोल के इस पेज पे आते हैं तो 1-2 मिनट रुकिएगा, ताकि इसकी जो रैंकिंग बरकरार रहे, अगर खोल के बंद करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़े, नो डाउट, लेकिन उस इंपैक्ट से अपने को कुछ नहीं होता, क्योंकि इस आर्टिकल से मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोगों के सामने लिखा हूँ, आप लोगों के सामने बनाया हूँ और आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब अगली चीज़ यह था, ये था कि वाई इट इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ डज इट वर्क, वेरीफाई कैसे करना है, कैसे वर्क यूज़ कर कैसे करना है इसको, पूरा स्टेप्स यहाँ लिखा हुआ था, बेनिफिट्स क्या होते हैं, और एक वीडियो डाला था जो मैंने इसके ऊपर बनाया था, उस पिंगोमैटिक के ऊपर फाइनल डिस्कशन थोड़ा बहुत डाला था, और इसमें मेन चीज़ जो है 74 शेयर्स मिले थे जो कि काफ़ी
बूस्टअप करता है आर्टिकल को रैंक करने के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना है। नीचे कमेंट इनेबल नहीं है क्योंकि अभी इसका कोड लिखा नहीं, मैं आज तक लिख नहीं पाया, बहुत दिन से पड़ा हुआ है पेंडिंग, तो ये पड़ा हुआ, वरना कमेंट्स भी डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ श्योर होता है। तो ये पूरा पूरा स्टैटिस्टिक्स है इसको रैंक कराने के लिए, आप इसको फॉलो कीजिए। आप इस तरह के कीवर्ड्स को आप करा सकते हैं रैंक 17 तक आराम से करा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बस आप एक प्रॉपर आर्टिकल लिखिए, सॉलिड आर्टिकल लिखिए जो कि यूज़र को अच्छा लगे और उस पर आपको इंगेजमेंट मिले, सोशल सिग्नल्स मिले। बैकलिंक्स बनाइए उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे जाके, अपने कीवर्ड को यूज़ कीजिए और डेफिनेटली आपका आर्टिकल भी रैंक होगा। ये सब प्रूफ एंड टेक्निक्स आपके सामने दिख रहा है, आपका भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, देखा आपने कि क्या क्या मैंने किया हुआ उस आर्टिकल को एक नंबर पे लाने के लिए। मैंने आपको लॉन्ग टेल पे भी सर्च करके दिखाया, शॉर्ट टेल पे भी सर्च करके दिखाया, और आरिफ में पूरा उसका स्टैटिस्टिक दिखाया कि क्या है। फीचर स्निपिट में आ रहा है वो भी बताया आपको कि भाई फीचर स्निपिट में क्यों आ रहा है, वो भी आपको मैंने दिखा दिया क्योंकि लॉन्ग टेल पे फीचर स्निपिट में आ रहा था। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग फॉलो कीजिए सेम प्रोसेस को, कुछ अलग कुछ अच्छा कीवर्ड ढूंढिए जिसमें कि कॉम्पिटिशन में नहीं हो, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो, और उस पर उस हिसाब से आर्टिकल को लिखे जिससे कि यूजर को कुछ कंटेंट सही मिले, जिससे यूजर को फायदा और आपको आपके साइट पे इंगेजमेंट हो। मैंने गूगल का एनालिटिक्स भी खोल के दिखाया आपको कि जो भी मेरे सर्च वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। बदले में मुझे बस थोड़ा मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, आपका लाइक चाहिए, आपका कमेंट चाहिए, आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा मतलब काम करने मजा आएगा और भी बेहतर वीडियोस बनाऊंगा मैं। तो प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, और जो नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे नए कॉन्सेप्ट साथ जो कि हेल्प करे आपको अच्छे से ब्लॉगिंग सीखने में। बाय, टेक केयर।